सबको जय मसीह की। तो ये आत्मिक युद्ध का क्लास है ना? तो पहला क्लास है हमारा, ये 2 क्रेडिट का होगा। मैं हिंदी में अभी पढ़ रहा हूँ, हिंदी समझना बात करना, तो मेरा इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गया। मैं बोलूँगा तो कुछ शब्द मुझे आप मुझे भी हेल्प चाहिए होगा। मैं भी बहुत आनंद और उत्साह में हूँ ये क्लास के लिए। तो मेरा भी एक पहला, काफ़ी बाइबल स्टडीज़ किए मगर बाइबल क्लास प्रॉपर पहले बार अभी मानपुर में हो रहा है, तो मुझे भी अच्छा मौका है ये। और जो हमारे कैटेगरीज पास्टर्स है, पास्टर दिनेश, सबको और परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ कि ये मौका मिला कि कुछ लोग का वचन बांट सकते हैं और हम सब लोग वचन में बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे फिर हम क्लास चालू करेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए परमेश्वर, और ये आत्मिक युद्ध के बारे में हम सीखने वाले हैं। ये हर मंडे परमेश्वर हमें ये क्लास लगातार होने के लिए आप मदद करिए परमेश्वर। स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका मन में और हृदय में तैयार हो के आने के लिए, और उनका कान ओपन रखे परमेश्वर, आपका वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए परमेश्वर। मानकुट चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो मसीह लोग मसीह भाई बहन आते हैं। टीम के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर दिनेश उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जो आप कार्य कर रहे हैं इधर ये कलीसिया के द्वारा परमेश्वर। काफ़ी लोग का उद्धार, काफ़ी लोग का परिवार में जो बदलाव आ रहा है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। क्लास को आपका हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, हमसे आप बात करिए। ये सिर्फ ये नॉलेज के लिए नहीं जो हमारा गमन को बढ़ सकता है, ये आपका प्रेम है। हम प्रेम से ये सीखने के लिए आप आशीष करिए, जो हमें बिल्डअप करता है, हमें एडिफाई करता है, यीशु के नाम से। ओके, सो आत्मिक युद्ध मतलब एक युद्ध हो रहा है ना। कि हम काफ़ी युद्ध और लड़ाई के बारे में हमने सुने होंगे। युद्ध क्या काफ़ी अलग अलग कारण के वजह से हो सकता है ना, अगर हमारा देश में भी काफ़ी लड़ाई युद्ध हुआ है और आज़ादी के लिए हुआ है ना, आज़ादी के लिए काफ़ी लड़ाई युद्ध हुआ है। August 15 हम इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, काफ़ी लोग मानते हैं मनाते हैं कि लोग का फ्रीडम चाहिए, बंधन में नहीं होना है। तो ये सांसारिक रूप पे बाहर का रूप है, और हम इधर आत्मिक तरीके में हम देखेंगे। तो चार्ल्स स्टैनली है, एक ऑथर है जो एक बुक लिखा है व्हेन द एनिमी स्ट्राइक्स, मतलब जब आपका दुश्मन आपको अटैक करेगा, हमला करेगा। वही मतलब वो टाइटल ये बोल रहा है, वो टाइटल ये बोल रहा है कि आपका दुश्मन है और वो अटैक करने वाला है। ऐसा नहीं बोल रहा है इफ द एनिमी अटैक्स, ऐसा नहीं बोल रहा है अगर वो करेगा, ये वो बोल रहा है व्हेन द एनिमी अटैक्स, व्हाट हमला करने वाला है, वो अभी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, बट अटैक होने वाला है, हमला होने वाला है। अभी वो उनका बुक में चार्ल्स स्टैनली ये लिख रहा है कि 7 दिसंबर 1941 में ना, वो अमेरिका देश का थे चार्ल्स स्टैनली, वो लिख रहा है अमेरिका में एक सरप्राइज अटैक हुआ। जापान का लोग अमेरिका का पर्ल हार्बर करके एक हार्बर है उसमें अटैक किया था, और अमेरिका का बहुत सरप्राइज हुआ था ये अटैक, कि वो मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा अटैक होगा करके। और वो अटैक में बहुत सरप्राइज हुआ, और अमेरिका का उस समय एक क्या बोल सकते हैं, एक काफ़ी नुकसान हुआ। फिर उन्होंने वापस जापान के ऊपर अटैक किया। लोग सोच रहे थे अभी ये कैसे बढ़ेगा, मतलब ये जो अटैक हुआ है पर्ल हार्बर में, वो एक बड़ा वॉर हो सकता, युद्ध हो सकता है, ऐसा लोग बात कर रहे थे, सोच रहे थे।
और एक और हमें याद होगा कि 2001 में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था अमेरिका में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, वो भी एक सरप्राइज अटैक है। अभी मुंबई में भी हमारा हुआ था ना, 3 होटल में अचानक पाकिस्तान दूसरे देश से टेररिस्ट आए और उन्होंने अटैक किए और हमें सरप्राइज हुआ। कुछ घंटे लगा कुछ लोग को भेज के उसको हैंडल करने के लिए ना, संभालने के लिए, क्योंकि वो हम तैयार नहीं थे ना, हमें पता नहीं था। तो ये दुश्मन, अगर हमें दुश्मन कौन है करके पता नहीं होगा और दुश्मन कैसे कार्य करता है, कैसे अटैक करता है, कैसे हमला करता है, वो पता नहीं होगा, हमें मुश्किल होगा कि उसको सामना करना। और दूसरा ये बोलते हैं कि हम हमेशा तैयार रहना, हम क्योंकि हम मसीह में हैं और शैतान हमारे विरुद्ध में है। शैतान और उसके नीचे एक सेना है, दुष्ट आत्मा का सेना है, सब हमारा विरुद्ध में है। हम हमेशा तैयार रहना आत्मिक रूप से, वो हमेशा कभी हमला कर सकते हैं, कभी अटैक कर सकते हैं। और दुश्मन है ना, हमारा एक दुश्मन है, उसके बारे में हम आगे क्लास में देखेंगे। बट अभी हम सांसारिक रूप में भी हम देखेंगे अलग अलग दुश्मन हैं और अलग अलग प्रेरणा होता है उनको अटैक करने के लिए। तो कुछ लोग जलन रख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर और वो अटैक कर सकते हैं ना, पीछे उनके पीछे कुछ और नेगेटिव बात कर सकते हैं ना, ये गॉसिप बोलते हैं, चुगली करना, तो स्लैंडर बोलते हैं, उनका नाम को खराब करना। उनके सामने अच्छा बात करेंगे मगर उनके पीछे अलग बात करेंगे ना। तो सोचे कुछ लोग नफरत करेंगे, नहीं तो उनका खुद का एम्बिशन, मैं बड़ा होना है, उसके लिए उसका रास्ते में कौन कौन रुकावट दे सकता है, वो सबको मैं निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या कार्य करना है, एक प्लान भी होता है ना, बहुत अच्छा सोच के एक प्लान होता है। शैतान भी ऐसा बहुत हमारा हर जन के लिए वो व्यक्तिगत रूप से वो प्लान करता है अटैक करने के लिए ना, मेरा अटैक करने के लिए अलग प्लान होगा, तो ओमकार भाई का अटैक करने के लिए अलग प्लान होगा, ये टेलर मेड बोलते हैं, आपके लिए प्लान, मतलब ऐसा इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से वो सोचता है। अब सोचो कुछ एग्जांपल्स बोलता हूँ, जैसे आपने आपका एक अच्छा दोस्त है और आपके विरुद्ध वो हो गया अभी ना, आपके बीच में अच्छा रिलेशन था बट उसको कुछ मिलने के लिए, कुछ बेनिफिट मिलने के लिए आपका विरुद्ध हो गया, आपका रिलेशन खराब हो गया ना, ये भी एक अटैक है, रिलेशनशिप के द्वारा एक अटैक है। आपका कोई साथ में काम करने वाले आपके पीछे कुछ बुरा बोल रहे हैं, आपका मैनेजर को कुछ बुरा बोल रहे हैं ताकि आपको जो प्रमोशन मिल सकता है उनको मिलना है ना? नहीं तो कोई डाकू हो सकता है आपको चोरी करने के लिए, मारने के लिए, चोरी करने के लिए ना? ये सब एक कुछ एग्जांपल्स है ये बाहर रूप का अटैक के लिए। ये क्या होता है, हमें काफ़ी ये सिचुएशंस में काफ़ी बार हमें पता नहीं चलता है कौन अटैक करने वाला है और वो कैसे कर रहे हैं। आपके पीछे कोई बात कर रहा है आपको पता नहीं चलता, तब जब उसका रिजल्ट बाहर आएगा तब आपको पता चलेगा, अच्छा ऐसा इन्होंने ऐसा बोला है, उस वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा, मेरा लाइफ में ऐसा हुआ, ऐसा सिचुएशन हुआ। तो हमें जैसे पहले बोला था, हम जो अटैक करने वाले एक दुश्मन है, तो और वो दुश्मन को हम पहचानना है और वो दुश्मन कैसा कार्य करता है वो हम पहचानना है, हम तैयार रहने के लिए। हम जब तैयार रहेंगे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, डिक्शनरी में देख रहा था टालना करके देख रहा था, अवॉइड करना मतलब अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो हम विरुद्ध हम भी वापस ये कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं ना, दो ऑप्शन है हमारे पास। और इसमें हमें एक समझ का भी, मतलब एक डिसर्नमेंट बोलते हैं हिंदी में वर्ड, उसका कुछ शब्द विचार करके आया था बट अच्छा शब्द पता नहीं मुझे। डिसर्नमेंट मतलब परखना एक्चुअली ना, ये कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, वो कौन सा परमेश्वर से है कौन सा शैतान से है, ताकि मैं जब सही परखूं तभी मैं सही रास्ते में जा सकता हूँ। हम सही परखेंगे तभी हम अगर परमेश्वर का कार्य को मैं गलत परख लिया, ये
ये संसार से है, नहीं तो शैतान से है, तो मेरा एक्शन भी गलत होगा। अगर शैतान से है मगर मैं गलत परख लिया उसको, गलत जांच लिया कि वो परमेश्वर से है, मेरा डिसीजन मेरा एक्शन भी अलग होगा ना। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे है जो हमें आसान है परखने में। कोई किसी को पिटाई कर रहा है, गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपने बच्चे को छोड़ के कुछ और काम कर रहा है, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है और बच्चे को कुछ चोट लग गया है, नहीं तो कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी को किडनैप कर रहा है ना, कोई किसी को खून कर रहा है, ये सब हमें आसान है। किसी का गलत संबंध है, ये आसान है हमें परखने के लिए। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये मॉरालिटी के द्वारा भी हम परख सकते हैं, गुड मॉरल्स, कि गलत संबंध में रहना, नहीं तो चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब आसान है परखने के। मगर हमारा आत्मिक तरीके में कुछ चीज़ हमें परखना मुश्किल होता है कि जैसे आप सोचो कोई हमारा बाइबल स्टडी में हमने चर्च गेट में भी ना बाइबल स्टडी चर्च है और बाइबल स्टडी भी करते हैं। पहले में शुरू में कुछ लोग आते थे, ऐसा यंग लड़के लोग आते थे और बोलते हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमें जॉब नहीं है, जॉब मिलना है ना, तो प्रार्थना करते हैं। एक दो हफ्ते के बाद उनको जॉब मिल जाता है, फिर उनको जॉब मिलने के बाद टाइम नहीं है चर्च आने के लिए, तो उनको लगता है ये जॉब अच्छा है, हमें ब्लेसिंग है, मगर वो जॉब चर्च से दूर लेके गए, परमेश्वर से दूर लेके गए ना। तो वो एक्चुअली उनको लग रहा है वो अच्छा है, हमने प्रे किया, हमें मिला है, बट हमें कैसे जॉब चाहिए जो हमें चर्च को भी समय देने वाला जॉब चाहिए, वही वो डिसर्नमेंट है। तो अगर मैं ये डिसीजन लूँगा, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे जॉब मिला, अगर मुझे ये परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पाएगा तो वो शायद सही डिसीजन नहीं होगा ना, तो वो वही परख नहीं कर पाएगा। अब सोचो कुछ ऐसा सिचुएशंस हमारे जीवन में भी आ सकता है ना? जैसे सोचो आप सोचिए कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, कुछ आपका तकलीफ हुआ, डॉक्टर के पास जा रहे हो और वो बोल दिया कुछ भयंकर डिजीज है, जैसे कैंसर है, तो हार्ट इशू, तो आप सुन के आपको क्या होगा, आपको नहीं तो आपका परिवार में किसी को ना। अब सोचो कि आप काम कर रहे हो, नॉर्मल डे है, अचानक फोन आ रहा है, आपका कोई दोस्त नहीं तो आपका परिवार में किसी का एक्सीडेंट होगा, ये सरप्राइज है, सरप्राइज एक हमला है, एक अटैक है ना, आपका स्पिरिट, आपका मानसिक तरीके से आपका एक अटैक हो रहा है ना। सोचो आप घर पे आ रहे हो, कहीं छुट्टी में बाहर जाके आ रहे हो, घर पे पूरा मतलब चोरी हुआ है, आपका सामान नहीं है, मतलब ऐसा सिचुएशन हो सकता है ये संसारिक रूप में। तो वो समय में क्या हम कर सकते हैं, मतलब ये एक परिस्थिति है जो शैतान इस्तेमाल कर सकता है, शैतान कार्य कर सकता है, और हम उसको कैसे, हमारा रिएक्शन कैसे होगा, हमारा सोच और हमारा कार्य उस समय कैसे होगा, ये सब हम सीखेंगे ये क्लास के द्वारा आत्मिक, ठीक है। सो हम दो चीज़ देखें, एक परखना डिसर्नमेंट, फिर कार्य करना एक्शन ना। तो परखना एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, उसके लिए हम वचन के द्वारा हम परखते हैं और होली स्पिरिट ना पवित्र आत्मा के लीडिंग के द्वारा हम परखते हैं ना, होली स्पिरिट लीडिंग और गाइडेंस और वचन के द्वारा हम परखते हैं। जब हम सही परखेंगे तभी सही एक्शन कर पाएंगे। कुछ लोग के ऐसा हो सकता है उनको परखना भी गलत है और एक्शन भी गलत है ना। तो एक परिपक्व क्रिश्चियन ना, एक मैच्योर क्रिश्चियन क्या करेगा, उनका वचन का आधार पर वो परखेंगे और कार्य करेंगे ना। तो हमने दो चीज़ भी देखे, जब ईविल का एक्शन हुआ, हम कुछ ईविल कुछ दुष्ट कार्य हो रहा है, नहीं तो कुछ अटैक हो रहा है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो एक्शन उसके सामने एक्शन भी कर सकते हैं। तो अभी एक हमारा एनिमी कौन है, हमारे एनिमी के बारे में देखेंगे, हमारा दुश्मन कौन है। तो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है जो एक व्यक्ति है ना,
तो हमारा दुश्मन के बारे में पता होने के लिए हमें परमेश्वर के बारे में भी पता करना है ना। परमेश्वर परमेश्वर और उनका कार्य पता करेंगे और दुश्मन के बारे में और अच्छा हम पता कर सकते हैं। तो जैसे हमारा परमेश्वर एक व्यक्ति है, वो सिर्फ एक ताकत नहीं है, एक फोर्स नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं पॉजिटिव फोर्स है। मैं तो एक बड़ा इंग्लिश मूवी है शायद स्टार वॉर्स है, लोग बोलते हैं मैं तो फोर्स भी विद यू करके। हाँ लोग, कुछ लोग आप आउटरीच में भी जाओगे और बोलते हैं ना कि कुछ लोग मानते हैं परमेश्वर सिर्फ एक फोर्स है, उनको देख नहीं पाएंगे, वो एक फोर्स है, हमें बना दिया, वो अभी अलग से है, ऊपर कुछ और कर रहे हैं सब। कोई लोग बोलेंगे सिर्फ वो एक ऊंचाई शक्ति है ना, महान शक्ति है, हायर पावर। मगर बाइबल क्या बोलता है, परमेश्वर एक व्यक्ति है, इज अ पर्सन, ही इज अ स्पिरिट ऑल्सो, मतलब वो एक आत्मा आत्मिक बीइंग है, जीव है, और ही इज अ पर्सन ऑल्सो, वो हमारा साथ व्यक्तिगत रूप से वो संबंध रख सकते हैं ना, और उनका नाम यीशु मसीह है ना। सिमिलरली हम ईविल, जब हम बुरा के बारे में सोचेंगे, दुष्टता के बारे में सोचेंगे, ईविल ईविल के बारे में सोचेंगे, वो एक सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है ना, और एक सिर्फ एक पावर नहीं है, वो भी एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति व्यक्ति ही है, वो वही शैतान है। शैतान हम बोलते हैं, डेविल हम बोलते हैं ना, वो ईविल है, और वो हम समझना है कि वो ये व्यक्ति है, वो 100% ईविल है, 100% दुष्ट है, उसमें एक भी अच्छापन नहीं है, और परमेश्वर उसका उल्टा है। परमेश्वर और शैतान अलग अलग, मतलब ऑपोजिट है, इधर 100% लाइट है, इधर 100% डार्कनेस है, 100% गुड है और ये 100% बैड है। ऐसा नहीं कि शैतान का अंदर कुछ अच्छापन है, नहीं, बिल्कुल नहीं, 0.001% भी नहीं है उसके अंदर, वो पूरा अंधकार है, और पूरा जो भी परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर सकता है वो करता रहेगा। तो वो एक आत्मिक जीव है, ये हमें समझना है, और वो एक व्यक्ति है ना, वो भी एक व्यक्ति है, और वो शैतान है, उसका नाम हम शैतान बोलते हैं, डेविल बोलते हैं, बाइबल पे अलग अलग नाम है, अक्यूजर ऑफ द ब्रदरन बोलते हैं कि मसीह लोग के विरुद्ध वो आरोप लगाता है, और बीलज़ीबब बोलते हैं, ग्रेट ड्रैगन बोलते हैं ऐसा। सो और हम देख नहीं पाते उनको ना, हम लोगों को देखते हैं, ये मुझे बुराई कर रहा है, ये मेरे विरुद्ध कुछ कार्य कर रहा है, लोगों को देखते हैं, मगर उसके पीछे एक स्पिरिचुअल बीइंग है, उसके पीछे एक आत्मिक जीव है जो उसका कार्य कर रहा है। हम ये देख सकते कि ये होता कि एरो, बोव एन एरो, तीर है, और ये क्या बो क्या बोलते हैं, धनुष, धनुष और एरो है, तीर है ना। तो हम सिर्फ तीर को देखते हैं ना, वो सिचुएशन, वो बंदे जो हम, और वो तीर के ऊपर हम गुस्सा होते हैं, तीर के ऊपर वो नफरत करते हैं, वो मुझे बुराई कर रहा है, वही मेरा दुश्मन है। मगर ये तीर 100 प्रकार का होगा, कहाँ से आ रहा है, वो जो वो धनुष चला रहा है ना। तो ये आत्मिक युद्ध क्लास में हम ये देख रहे हैं, शैतान हमारा दुश्मन है, और शैतान उसके नीचे अलग अलग लेवल पे ना, सोचे एक बड़ा गवर्नमेंट है, उसमें अलग अलग लेवल है ना, कि प्राइम मिनिस्टर है हमारा कंट्री में, कैसे प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर्स है, उनके नीचे मिनिस्टर्स होंगे, सेंट्रल मिनिस्टर्स भी है, स्टेट मिनिस्टर्स भी है, उनके नीचे ऑफिसर्स होंगे, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, फिर उनके नीचे अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे अलग अलग लेवल पे, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे, ऐसा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हायरार्की, ऐसा ही एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है शैतान के नीचे भी। हर व्यक्ति का भी उस एक आत्मा उसके पीछे लगाता है, उसको पाप करने का, इच्छा करने के लिए, गलत करने का, और शहर के ऊपर भी एक बड़ा दुष्ट आत्मा होगा, एक गांव के ऊपर है, हर गांव के ऊपर है, हर शहर के ऊपर है, हर स्टेट के ऊपर है, हर नेशन के ऊपर भी है, ऐसा उसका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और वो लोगों को इस्तेमाल करता है। जब परमेश्वर भी लोगों को इस्तेमाल करता है ना, हमारा जीवन में ना, आपका जैसे पासवान है, और कुछ मैच्योर बिलीवर्स है हमारा चर्च में, मतलब परिपक्व मसीह लोग हैं,
वो हमारा जीवन में सही सलाह देने के लिए, वचन बांटने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर। हम आउटरीच जाते हैं, हमें इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर सुसमाचार बांटने का, जो अंधकार से रोशनी में लोगों को लेके आने के लिए। और ऐसे ही और शैतान क्या करता है, परमेश्वर को कॉपी करता है और वो भी लोगों को इस्तेमाल करता है। और ये लोग कौन होते हैं कि परमेश्वर को जानते नहीं और वो संसारी के, और वो उनको कुछ पता नहीं चलता शैतान मुझे इस्तेमाल करता है। शैतान उनके अंदर जाने का जरूरत नहीं है, दुष्ट आत्मा उनके अंदर जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं है, वो अंधकार में है ऑलरेडी, वो संसार में है। तो उनका और उनके अंदर, हम सबके अंदर पापी स्वभाव है और शैतान उसको इस्तेमाल करके उसका कार्य कर सकता है। जैसे हमने पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखा था, हम काम कर रहे हैं, कोई मेरे पीछे बात कर रहा है, मेरे सामने कुछ नफरत कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल में जा रहे हैं, कुछ लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं ना, ये मसीह के वजह से भी होगा, नहीं तो हमारा नेचर के वजह से भी होगा ना? तो ये कुछ ऐसा गलत सिचुएशंस है, कुछ लोग हैं हमारा विरुद्ध आ रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसा करता है, और शैतान उन लोग का इस्तेमाल कर रहा है। शैतान और उसका जो दुष्ट आत्मा है वो हमें स्टडी किए हैं, हम जब सबसे पैदा हुआ हमें स्टडी किए ना, आपका अगर 18 साल हो रहा है आपका 18 साल से वो स्टडी किए, तो उनको पता है आपका मूड कैसे है, कब से कब आप कैसे है, आपका रिएक्शन से वो पता चलेगा। और जैसे वो तीर जैसे आपका माइंड में प्रोजेक्शंस लेके आता है ना, मतलब शैतान का बाहर रूप से वो स्टडी करके हमें अच्छा बनता है, और परमेश्वर का हमें 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 वही बनाया है ना? वो परमेश्वर का जो पहचान है हमारा ऊपर, मतलब पूरे तरीके से अंदर से भी है। और ऐसे यिर्मयाह 1 में आप देख सकते हैं, और आई थिंक साम्स 139 उसमें लिखा है, मतलब आप जब गर्भ में थे उस समय उन्होंने फ्रेम, आपका जो बॉडी का फ्रेम उन्होंने बनाया है ना, और आप गर्भ में थे उस समय से वो आपको जानते हैं ना। और एक और वचन बोलते हैं, आपका ना सर में कितने बाल है उस हद तक भी वो जानते हैं ना। तो शैतान हमें जानते हैं मगर सिर्फ बाहर रूप से जानते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो कार्य करते हैं उसके रूप से जानते हैं। और हमारा सिचुएशन, हमारा आसपास जो लोग हैं उसको इस्तेमाल करके हमारा जीवन में कुछ हमला करने का कोशिश करता है, कुछ बात करने का कोशिश करता है। तो हम जो ये तीर आ रहा है ना, जो अलग अलग तीर आ रहा है, सिचुएशन होगा, लोग होंगे, उनके ऊपर गुस्सा होके, उनके ऊपर नफरत होके फायदा नहीं है, क्योंकि रियल दुश्मन कौन है, उसके पीछे एक स्पिरिट है ना, वो स्पिरिट एक व्यक्ति है, एक आत्मिक जीव है जो शैतान है, और उसका नीचे जो वो बड़ा सेना है दुष्ट आत्मा अलग अलग लेवल का, तो वही रियल दुश्मन है। और वो स्पिरिचुअल है, इसीलिए हमारा वेपन है, हमारा जो हथियार वो भी आत्मिक होना चाहिए ना, क्योंकि फ्लैश एंड ब्लड, मतलब एफिशिएंस 6 में वो पूरा आत्मिक युद्ध के बारे में भी लिखा है कि हम अगर हमारा मांस और लहू से हम लड़ाई करेंगे वो आत्मिक युद्ध में हमेशा हारेगा, क्योंकि हमेशा ये शैतान के पास और बहुत अच्छा अच्छा बहुत बड़ा चीज़ है ना? वो मांस और लहू में शैतान को हम कभी भी हरा नहीं सकते। तो हमें स्पिरिचुअल आत्मिक हथियार परमेश्वर ने दिया है, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हम ये देखेंगे, तो ये शैतान का क्या क्या चीज़ बहुत उसको मजबूत करता है कि हमारा मनुष्य के सामने, एक चीज़ ये है वो दिखता नहीं है, इज ए इनविजिबल एनिमी ना, हम आपको देखते हैं मगर शैतान दुष्ट आत्मा को देखते नहीं, उसका कार्य देखते नहीं, इसीलिए हम समझते हैं वो मेरा एनिमी, जो लोग मेरे सामने हैं, जो लोग मुझे बुराई कर रहे हैं वो लोग मेरा दुश्मन है ना, तो क्योंकि उसके पीछे एक इनविजिबल एनिमी है, तो इसलिए हमें अच्छा आसान से डिसीव कर सकता है, मतलब हमें हमारा गलत समझ लेके आ सकता है ना। और वो हमेशा लगातार वो कोशिश करता है ना, वो जैसे परमेश्वर भी हमेशा हमारा पीछे है, हमें लगातार हमें प्रेम देते हैं, अनुग्रह देते हैं, और शैतान भी वो कभी रुकता नहीं है, वो भी हमारा मतलब अनबिलीवर के पीछे भी है, बिलीवर के पीछे ज़्यादा है ना? और वो लगातार कार्य करता है। अभी हमारा परिस्थिति खत्म हुआ,
भी थोड़ा नॉर्मल लग रहा, दूसरा परिस्थिति आएगा हमारा, मगर हम परमेश्वर रेस्ट देंगे, शांति देंगे वो परिस्थिति के बीच में भी, मगर परिस्थिति तो होने वाला है। अब जैसे सोचो ये अब बीच में जाओगे वो वेव्स आ रहा है ना, एक खत्म होता है दूसरा आता है, तो वैसे होगा तो मसीह जीवन वैसे है ना। कुछ लोग बोलते हैं, मैं एक परिवार में एक बंदा बोले मुझे कि मैं मसीह में आया फिर मुझे ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं मसीह में आया तो परमेश्वर मुझे संभालना है, कैसे एक्सीडेंट हुआ ना। तो चेन्नई में हम लोग आउटरीच कर रहे थे, चेन्नई में एक बंदा को मिला, तो उनको जैसे यीशु मसीह के बारे में शेयर किया, ट्रैक दिया, तो बोले मैं बपतिस्मा वगैरह लिया हुआ था, मगर बपतिस्मा लेके मैं उसी दिन ऑटो में आ रहा था, ऑटो एक्सीडेंट हो गया, तो उसी दिन मैं छोड़ दिया चर्च को, विश्वास को। तो ऐसा नहीं है कि हम मसीह में इसलिए अटैक ज़्यादा होता है, मगर हमारा एक प्रोटेक्शन भी है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम मसीह में हैं हमें कोई हमला नहीं होगा, एक्चुअली अटैक ज़्यादा होगा। तो अगला विषय ये है, पहले अभी क्या हम देखें कि हमारा एनिमी के बारे में देखें, हमारा दुश्मन कौन है ना, कौन है वो? शैतान है, वो ये आत्मिक जीव है, वो एक व्यक्ति है और वो 100% अंधकार है, उसके अंदर 100% ईविल है ना, कोई भी अच्छापन नहीं है, कोई भी लाइट नहीं है, और वो लोगों को इस्तेमाल करता है, सिचुएशन को इस्तेमाल करता है। दूसरा अभी हम देखेंगे, हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं, आत्मिक युद्ध में हैं। आपको चाहिए नहीं चाहिए, आपको इच्छा है नहीं इच्छा है, फर्क नहीं पड़ता। आप मसीह को चुना है, आप आत्मिक युद्ध में हैं। कभी आपने आप कोई रास्ते में जा रहे, उधर कुछ लड़ाई चल रहा है, मैं साइड में जा सकता, मुझे उसमें कोई घुसना नहीं है, मैं अलग से जाता, मैं अवॉइड कर सकता हूँ, और हम इधर अवॉइड नहीं कर सकते, इन द सेंस हम बैटल में हैं, ऑलरेडी युद्ध में आ गया ना। तो और ये स्पिरिचुअल है, ये आत्मिक युद्ध है ना, और ये शैतान और परमेश्वर के बीच में एक लड़ाई चल रही है ना। परमेश्वर बहुत बड़ा है, शैतान बहुत छोटा है, परमेश्वर सृष्टि करता है, शैतान एक सृष्टि है ना, और फिर परमेश्वर सिर्फ एक समय के लिए शैतान को कार्य करने के लिए दिया है, इसलिए युद्ध चल रहा है। और क्या है ये प्राई, किसके लिए लड़ाई हो रहा है? परमेश्वर और शैतान के बीच में लड़ाई क्यों चल रहा है अगर हम सोचेंगे तो ये हमारा आत्मा के लिए, परमेश्वर हमारा आत्मा चाहते हैं, शैतान भी हमारा आत्मा चाहते हैं। शैतान नरक के लिए चाहता है, परमेश्वर से अलग होने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं उनके साथ अनंत काल स्वर्ग में रहने के लिए। हमारा आत्मा के लिए एक लड़ाई हो रहा है। तो शैतान हर चीज करेगा एक व्यक्ति इस दुनिया में सच्चाई परमेश्वर को ना जानने के लिए, उनका पाप का माफी के बारे में ना जानने के लिए, सुसमाचार ना जानने के लिए ना। अगर हम मसीह में आ गए फिर भी वो हर चीज करेगा कि मसीह में ना बढ़ने के लिए, वचन में ना बढ़ने के लिए, संगति में, प्रार्थना में ना बढ़ने के लिए। और हम मसीह में हैं इसीलिए हम एक चीज ये बोलते हैं, लाइक हमारा अंदर दुष्ट आत्मा कभी आ नहीं सकता, काबू नहीं कर सकता, हमें हमारा कंट्रोल नहीं ले सकता, और बाहर से वो परेशान कर सकता है, अप्रेस कर सकता है, क्योंकि हमारा अंदर जब हम मसीह को पहचाने, हमने विश्वास किए, हमारा अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा ताकतवर है, उसको कोई भी सामना नहीं कर सकता ना, राइट। और तो जब हम आत्मिक युद्ध में रहेंगे, मतलब हम मैंने ये बोला ना कि शैतान हमें बाहर रूप से परेशानी कर सकता है, कि हमारा मसीह का जीवन में जो ये जॉय बोलते हैं, खुशी है ना, बिना खुशी का मैं सेवा कर रहा हूँ, बिना खुशी का मैं मसीह का जीवन जी रहा हूँ ना, ये मेरा हर दिन कुछ ना कुछ परिस्थिति है, वो परिस्थिति की वजह से मेरा खुशी में खो रहा है, मैं खुशी में खो जाता हूँ, वो कार्य कर सकते, ये एक परेशानी होगा। नहीं तो मेरे घर पे, मेरा जीवन में शांति नहीं है, मैं शांति पा सकता हूँ, मगर ये शैतान ऐसा कार्य कर रहा है, और मैं आत्मिक चीज में इतना मजबूत नहीं, मैं अभी बढ़ रहा हूँ, तो मैं शांति खो रहा हूँ ना।
अगर मतलब वो एक हम मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए एक रास्ते में, जर्नी में है, इसलिए हम शुरू शुरू में ये सब परेशानी होता है, उसमें हम सीखते हैं और हम परिपक्व होते हैं ना? और संतुष्टि ना, मैं जहाँ पे हूँ, जिस परिवार में हूँ, जिस शहर में हूँ, जिस बिल्डिंग में हूँ, मेरे पास ये है, वो उनके पास वो है ना, मतलब मेरा जीवन में मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जिस चीज़ में सेवा कर रहा हूँ, सब चीज़ में मैं संतुष्ट रह सकता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता हूँ। और शैतान ऐसा प्रोजेक्शन सोच लेके आ सकता है कि वो बोला तुम ये कर रहे, ये जगह पे है, इतना ही है तुम्हारा ना, और संतुष्टि तुम लेके जा सकते ना। यूहन्ना 10:10 में है ना, ये शैतान हमेशा चोरी और नाश और हथियार करने के लिए, और उसके बाद परमेश्वर आया अनंत काल का जीवन, अबंडेंट लाइफ बोलता है इंग्लिश में, बहुतायत जीवन, बहुतायत जीवन देने के लिए मैं आया हूँ। तो फर्क देखो, एक नाश करने के लिए, एक जीवन, बहुतायत जीवन देने के लिए। तो क्योंकि ये दुश्मन आत्मिक है, एक व्यक्ति है, और लगातार प्रयास में है हमारा पीछे, हमारा आत्मा के लिए, और बाहर रूप से परेशान करता है, तो हमेशा कुछ लेने के लिए आएगा ना, और ऐसा डिसीव करेगा, वो डिसेप्शन ऐसा करेगा, हमें लगेगा हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, मतलब लोगों को, व्यक्ति को लगता है ये एक कुछ अच्छा है, मगर एक्चुअली हमसे वो चोरी कर रहा है ना। संसार में क्यों लोग इतना अलग अलग चीज़ में, अलग अलग रास्ते में, अलग अलग चीज़ में जा रहे हैं, क्यों सच्चाई पे नहीं है, क्योंकि उनको लगता है वो अच्छे अच्छे स्थान में है, वो डिसीव्ड है कि उनका भ्रम में डालते हैं। तो मतलब मतलब उनका गलत समझ है कि उनको लग रहा है वो सही जगह पे है, अच्छा इसमें है, और एक्चुअली वो अंधकार में, उनको लगता है वो रोशनी है, वो अंधकार में है ना। और क्या क्या टाइप का परिस्थिति लेके आ सकता है, जैसे हमारा रिश्ताओं में, अभी मैंने कुछ निर्णय लिया बाइबल कॉलेज जाने के लिए, मैं काम छोड़ने के लिए, काम करता था काम छोड़ने के लिए, और उस वजह से मेरा कुछ रिश्तेदार लोग बात नहीं किए मुझसे, मेरा पेरेंट्स में, फैमिली में भी लोग मेरे से बात करना छोड़ दिया ना, ये मेरा रिलेशन में परिस्थिति हो गया ना, कि अगर मैं कमज़ोर होगा, मैं ऐसा सोच सकता हूँ, अरे मैं नहीं, ये सब नहीं करूँगा, मेरे माँ बाप से मैं बात करना है, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना है, तो उसके वजह से अगर मैं ये नहीं करूँगा, मतलब वही शैतान चाहता है कि मैं परमेश्वर का कार्य ना करूँ, उसमें ना बढ़ूँ, ताकि अगर मैं ये रिलेशनशिप आपको स्टडी कर रहा ना पूरा, जब से आप पैदा हुए, आपको उसको मालूम है आपका क्या क्या अच्छा रिलेशनशिप है, आप किस किस को अच्छा रिलेशनशिप में रखे हो, और उधर वो अटैक कर सकता है, आपका रिलेशनशिप को अटैक कर सकता है। अब अगर आप बोलोगे मैं और बाइबल क्लास लेने वाला, आपका ऑफिस में बोल सकते हो, आपको शायद आपको हम काम नहीं दे सकते, अब क्या 2-3 दिन आप जल्दी जा रहे हो काम छोड़ के, मतलब काम आप कर रहे होंगे, मगर आप इधर उधर जा रहे हो कि आपको और टाइम चाहिए हमारा काम पे, कोई बोल सकता है तुम क्या, आपका परिवार में आपका रिश्तेदार कोई बोल सकता है क्या, मसीह करके चर्च में जा रहे हो क्या, इधर बाइबल क्लास जा रहे हो, बाइबल स्टडी जा रहे हो, हमारा अगर ये सब करते रहेगा हमारा रिश्ता ठीक नहीं होगा, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, ये सब एक, ये भी एक स्पिरिचुअल अटैक है जो शैतान लेके आता है। आपका रेपुटेशन वो खराब कर सकता है ना, रेपुटेशन मैं देख रहा था, वो वर्ड मान सम्मान कुछ आया था ना, तो दो चीज़ है, कैरेक्टर है, रेपुटेशन है। कैरेक्टर मतलब ये है आप कौन है, आप मन से, आप दिल से, सच्चाई से कौन है, कोई भी नहीं है आपके आसपास फिर भी आप क्या कार्य करते हैं, आप सच्चाई हो, आप गलत कर रहे हो, ये आपका कैरेक्टर है, मतलब आप सच्ची में कौन है। रेपुटेशन ये है लोगों का मन में आप कैसे दिख रहे हो, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये कड़ूस है, ये अच्छा हंस के बात करता है, ऐसा अलग अलग तरीके से सोचते हैं। और जब कोई आपके पीछे बात करेगा, गॉसिप करेगा, चुगलीपन करेगा, गलत कुछ बोलेगा, क्या कर रहा है, आपका कैरेक्टर को कोई भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत रूप से आप जो भी है
मगर आपका रेपुटेशन, आपका नाम दूसरे लोग का मन में वो उसको बदल सकता है। लोग जब आपके बारे में कोई गलत नेगेटिव बोलते हैं, गलत चुगली करते हैं, गॉसिप करते हैं आपके पीछे, तो आपका रिलेशनशिप को अटैक कर सकता है। आपका रेपुटेशन, मतलब लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं एक्चुअली कि ये मसीह मसीह बोल रहे हैं, पागल है, नहीं तो फैनेटिक बोलते हैं, रिलीजियस फैनेटिक, मतलब अब मसीह मसीह के नाम के अलावा उसका दिमाग में दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही करता रहता है, तो कितना चीज़ है दुनिया में करने के लिए, नहीं फैनेटिक बोलते हैं। कुछ लोग वायलेंट भी होते हैं ना, कि कुछ लोग ग्रुप में, अभी कोई ग्रुप में हम इवेंजलिज्म कर रहे थे एक चर्च, और कुछ लोग 50-60 लोग आ गए, क्यों आप मसीह के बारे में बांट रहे हो, ये सब सामने करने के लिए ना। तो ये मतलब एक युद्ध है वो भी ना, तो मसीह का कार्य चल रहा है उनके विरुद्ध आए, और उनके बारे में गलत बोल सकते हैं ये लोग। मतलब आजकल धर्म परिवर्तन का बात चलता है, और ये लोग कुछ गलत बोल सकते हैं, ये लोग ऐसे ऐसे हैं, इसके पास मत जाओ, ये लोग जब आते हैं उसके पास बात करो मत, वो जो पर्ची देते हो पढ़ो मत, कुछ गलत चीज़ बोल सकते हैं, वही रेपुटेशन को खराब करना ना, आपका नाम को दूसरे लोग का मन में खराब करना, वो इस्तेमाल करते हैं दुश्मन, हमारा दुश्मन। और तीसरा, हमारे पास जो रिसोर्सेस है, क्या क्या रिसोर्स हो सकता है, एक फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकता है, आप चर्च सोच लो, आपका चर्च का हॉल भी एक रिसोर्स है, आपका चर्च का फाइनेंस, जो कितना पैसा है चर्च के पास ट्रैक्स प्रिंट करने के लिए, कोई क्रिसमस फंक्शन है तो क्रिसमस आउटरीच करने के लिए, चर्च का रेंट पे करने के लिए, और नहीं तो आदमी भी हो सकता है, मतलब शैतान जैसे एक चर्च का कार्य से आदमी छीन के बाहर लेके जा सकता है ना, नहीं तो चर्च का फाइनेंस उसको कम कर सकता है, ताकि वो मतलब ट्रैक प्रिंट करना है मगर पैसा नहीं, चर्च का रेंट पे करना है मगर पैसा नहीं ना, तो फाइनेंस में अटैक कर सकता है। और चर्च का हॉल अगर छीन ले ना, आप सोचो चर्च का हॉल नहीं है, आपको फिर गैदर करने के लिए एक जगह चाहिए ना, वैसा ये सब रिसोर्सेस है हमारा मसीह का कार्य करने के लिए। और हमारा ये भी बोल सकते हैं, सोचो आपका बाइबल है, कोई बुक्स है चोरी हो गया, अभी आपको पढ़ना है मगर बाइबल नहीं, चोरी हो गया, नहीं एक छोटा एग्जांपल है, आपके पास कुछ मसीह में बढ़ने के लिए जो रिसोर्सेस है उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं ना शैतान, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने एक आत्मिक युद्ध चल रहा है, और हमें पता करना है कि दुश्मन क्या है और दुश्मन कैसे कार्य करता है, और कैसे अलग अलग प्रकार से ये दुश्मन हमारा जीवन में कार्य कर सकते हैं, हमला कर सकता है, वो हमने देखे। और हम ये भी देखे थे ना कि परखने के बारे में, डिसर्नमेंट के बारे में, डिसर्नमेंट कितना मुख्य है, हमें क्या परमेश्वर से आ रहा है क्या दुश्मन से आ रहा है वो, और वो परखने के बेसिस पे मैं मेरा एक्शन रह सकता है। तो काफ़ी लोग का मन में ये एक सवाल आता है कि इस दुनिया में काफ़ी चीज़ गलत हो रहा है ना, कि कोई चोरी हो रहा है, कोई खून हो रहा है ना, कोई नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं ना, अर्थक्वेक होता है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी लोग मर गए। तो लोग पूछते हैं कि ये अगर परमेश्वर है क्यों ये सब हो रहा है ना, ये सब क्यों हो रहा है, और क्या परमेश्वर भी दुष्ट है, मतलब ईविल है, मतलब कुछ लोग का मन में सवाल है, सोचते हैं इज गॉड ईविल, मतलब दो चीज सोचते हैं, गॉड ईविल होना है, नहीं तो गॉड के पास सामर्थ्य नहीं है ये दुष्टता को संभालने के लिए, रुकाने के लिए। तो कोई बोल सकता है, किसी का आपका विचार है ये सवाल के ऊपर, अगर कोई आपको ये सवाल पूछेंगे तो आपका क्या जवाब हो सकता है। परमेश्वर की सोच हमारी सोच से बहुत अलग है, हमारी सोच से बहुत अलग है, वो हर चीज को परखता है, फिर जांचता है, फिर काम करता है। ये ऐसा है 55 में ना, 8 और 9
हमारा सोच परमेश्वर का सोच हमारा सोच से ऊंचा है। ठीक है, और कोई बोलना चाहता है? काफी लोग ये सवाल उठाते हैं, पर हमने देखे है ना, पहले देखे परमेश्वर 100% लाइट है ना, रोशनी है, और 100% गुड है, और उनके अंदर कोई भी अंधकार नहीं है, कोई भी दुष्टता नहीं है। परमेश्वर कभी ईविल नहीं है ना, और परमेश्वर कुछ लोग मेरा कुछ लोग दोस्त काम करते थे जहाँ मैं काम करता था, वो क्या बोलते हैं, परमेश्वर सब चीज़ को सृष्टि किया, तो वो दुष्टता को भी वो सृष्टि किया ना। ये आपको सच्चा सही लग रहा? तो जैसे ये गाय दूध देता है ना, पानी कौन मिक्स करता है? गाय नहीं मिक्स करता ना, इंसान मिक्स करता है। और इंसान क्यों मिक्स करता है? उसका पापी नेचर, सिंफुल नेचर है। कुछ लोग उनका पैसा के ऊपर पीछे है, उनका पापी स्वभाव के पीछे। परमेश्वर हमें सही दूध दिया गाय के द्वारा, और इंसान के अंदर पाप है, पापी स्वभाव है, वो पानी मिक्स करता है। एक छोटा एग्जाम्पल है। तो और परमेश्वर जब हम उत्पत्ति में देख रहे हैं ना, उत्पत्ति 1:2 में हम देख रहे हैं, परमेश्वर जब पूरा सृष्टि किया, 6 दिन लगा, 6 दिन में पूरा सृष्टि किया, और सब अच्छा था। अब बार बार देख सकते हो परमेश्वर ये सृष्टि किया वो अच्छा था, और परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि किया वो अच्छा था ना। और फिर हम उत्पत्ति 3 में मनुष्य पाप में गिरा, तो उन्होंने अच्छा किया, वो अच्छा सृष्टि किया, किसी कोई बुरा नहीं था, कोई दुष्ट नहीं था उनका सृष्टि में, और पाप उसको दुष्ट किया ना, पाप उसको बुरा किया। तो या सो तो क्या इसका जवाब यह है, परमेश्वर सब चीज अच्छा किया, अच्छा निर्माण किया, अच्छा सृष्टि किया, मगर मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध गलत किया। वो क्यों किया? क्यों मतलब शैतान उसको ये करता है ना, प्रोवोक करता है। उसमें एक चीज हम देख सकते हैं कि शैतान ये बोलता है, आप अगर ये हवा को बोलता है कि अगर ये खाएगा, ये खाएगी, तो तुम परमेश्वर के जैसे। तो वो क्यों की मतलब 3 चीज बोलते हैं ना आंखों का, 1 John 2 में है ना, 3 चीज बोलते हैं। मगर उसमें मेन चीज है ये है, मेन पॉइंट ये है कि वो खुद का महिमा को खेले गए। तो परमेश्वर एक चीज बोले हैं आदम को, आदम हवा को बोला है ना, ये नहीं करना है। और अगर वो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर का महिमा के लिए अगर जी रहे होंगे, वो नहीं किए, उनको ये सुना कि ये खाने से मैं भी परमेश्वर जैसे हो सकता हूँ, मुझे और पावर मिलेगा, मैं और बढ़ सकता हूँ, अरे इसमें परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर ये नहीं बोला, तो उनको मतलब खुद का महिमा के लिए, खुद का बड़ा, खुद परमेश्वर जैसे बनने के लिए एक चूट को ग्रहण करके वो पाप किया। और वो पाप का असर हम आज देख रहे हैं, इसीलिए चोरी हो रहा है, खून हो रहा है, गलत संबंध हो रहा है, लोग नशे में हैं, लोग के अंदर ये डिजीज ना, अलग अलग प्रकार का ये बीमारी हो रहा है, ये सब हमारा पाप का असर है। पर इसका जवाब ये है, परमेश्वर सब कुछ अच्छा किया, मनुष्य है उसका सेल्फिशनेस की वजह से खुद का महिमा के लिए गलत किया, गलत के वजह से ये पाप फैल गया, पाप का असर के वजह से ईविल हो रहा है। और ये ईविल, ये दुष्टता परमेश्वर कुछ समय के लिए एक उनका एक योजना है, वो योजना के लिए वो ये छोड़ा है कुछ समय के लिए। और ठीक है, इधर हम पहला क्लास खत्म करेंगे और एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दूसरा क्लास लास्ट।